फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंट स्टडीज यानी ईवीएस पढ़ेंगे। आपको पता है कि ईवीएस क्या होता है? ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि आपके जो चारों ओर जो वातावरण है, आपका जो भी आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम इसमें जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप आज से ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आपको बताया मैंने, क्या बताया कि जो आपके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में पता करते हैं कि क्या क्या हमारे आसपास होता है और हम किस किस चीज़ को पूरा दिन आपके दिन भर मतलब हर टाइम आप जो भी चीज़ें देखते हो आपके इन्वायरमेंट में आता है, आपका परिवार हो या फिर आपकी नेचुरल कोई भी चीज़ें हो, वो सब इसमें आती हैं। आज यूनिट फर्स्ट यानी कि जो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसकी जो यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है फैमिली एंड कम्युनिटी। इसमें आपके टू चैप्टर्स हैं। फैमिली एंड कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? फैमिली मीन्स क्या हुआ? परिवार। एंड कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय, यानी कि परिवार और समुदाय। अब इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? मीट माई फैमिली। मीट मीन्स क्या होता है? मिलना। माई मीन्स मेरी और फैमिली मीन्स परिवार, यानी कि मेरे परिवार से मिलो। सेकंड चैप्टर क्या है इसमें आपका? केयरिंग फॉर द फिजिकल चैलेंज। केयरिंग यानी कि देखभाल, और फिजिकली चैलेंज्ड क्या होते हैं? जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, जिनके क्या नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते, या फिर कोई आँख चली गई किसी कारण एक्सीडेंटली, या फिर कोई भी सुनाई नहीं देता, गूंगे बहरे, ये सब किसमें आते हैं? फिजिकली चैलेंज्ड यानी कि विकलांग व्यक्ति जो होते हैं उसमें आते हैं। आपके फैमिली में भी कोई हो सकता है, अदरवाइज बाहर भी आपके पास आसपास चारों ओर कोई मिल सकता है आपको। एल्डरली बूढ़े जो लोग होते हैं, बड़े जो होते हैं, आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे, आप उनकी देखभाल के लिए आप क्या करते हैं, इस बारे में आपको बताना होगा। अब नेक्स्ट आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट फैमिली एंड कम्युनिटी। मैंने अभी आपको क्या बताया था? फैमिली मीन्स परिवार, एंड मीन्स और कम्युनिटी यानी कि समुदाय। अब आपका चैप्टर फर्स्ट मीट माई फैमिली। मीट मीन्स क्या बताया था मैंने? मिलना। माई मीन्स मेरी, फैमिली मीन्स परिवार, यानी कि मेरे परिवार से मिलो। अब हम क्या करेंगे? आपने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ा होगा अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में भी बताया गया होगा। ईवीएस में आपने पढ़ा होगा, आई होप जीके और ईवीएस दोनों में आ जाते हैं आपके क्वेश्चन इस टाइप के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? इन विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव। तुम किस प्रकार की फैमिली में रहते हो? यानी कि मैंने जब आपसे वर्ड मीनिंग राइट कराए थे तब मैंने आपसे बताया था टू टाइप्स की फैमिली होती हैं। क्या क्या? एक तो क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली, और एक जॉइंट फैमिली। यदि आप न्यूक्लियर फैमिली यानी कि जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, और जॉइंट फैमिली में क्या होता है? मतलब दादा दादी, चाचा चाची, जो सब एक साथ रहते हैं, इसमें क्या आ जाएगा आपका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है कि आपकी फैमिली किस टाइप की है, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है। ठीक है, अब उसमें से आप एक राइट कर देंगे, जैसे भी जिस फैमिली में आप रहते हैं, जैसी भी फैमिली में रहते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे राइट करेंगे। न्यूक्लियर फैमिली है तो न्यूक्लियर फैमिली, और जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, हाउ मैनी मेम्बर्स, यानी कि हाउ मैनी मेम्बर्स, कितने मेंबर्स हैं आर दियर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में, आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं? चार हैं, छः हैं, आठ हैं, 10 हैं, जितने भी हैं आप उन्हें राइट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिबलिंग डू यू हैव। हाउ मैनी कितने सिबलिंग्स, मैंने बताया था आपसे क्या मीनिंग होता है सिबलिंग्स का। डू यू हैव, आपके सगे भाई या बहन कितने हैं, आपको उसमें क्या राइट करना है? आपके सगा भाई और बहन जितने होते हैं, जितने भी हैं मतलब, उनको आपको राइट करना है। नेक्स्ट, अब आपकी रीडिंग स्टार्ट है यहाँ से चैप्टर की, और जब मैं रीडिंग करा दूंगी तो आपको एक बार ये खुद भी रीड करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट, ए फैमिली यानी कि एक परिवार इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का एक समूह होता है, हु जो आर रिलेटेड संबंधित होता है टू ईच अदर, एक दूसरे से, एंड लिव टूगेदर और एक साथ रहते हैं। एक परिवार ऐसे लोगों का समूह होता है जहाँ पर सबका संबंध मतलब एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध होता है और वो सब एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट लाइन चलते हैं, ए फैमिली
एक परिवार प्रोवाइड करता है, देता है क्या, सिक्योरिटी, सुरक्षा टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों को, एक परिवार जो है परिवार के सभी सदस्यों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ऑल फैमिली मेंबर्स यानी कि सभी परिवार के सदस्य टेक केयर ऑफ ईच अदर यानी कि देखभाल करते हैं एक दूसरे की, लव ईच अदर प्यार करते हैं एक दूसरे से, एंड हैव फन टुगेदर और एक साथ मतलब साथ साथ क्या करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, मज़े भी करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब टाइप ऑफ फैमिलीज मैंने आपसे पहले भी बता चुकी, क्या बताया था मैंने आपसे कि टाइप ऑफ फैमिलीज क्या होती है, यानी कि फैमिली के प्रकार। ए फैमिली में भी न्यूक्लियर और ज्वाइंट, यानी कि एक परिवार जो होता है वो क्या हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है और ज्वाइंट भी हो सकता है, यानी कि या तो वो एकल परिवार होगा या फिर वो संयुक्त परिवार होगा। अब ए न्यूक्लियर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली, यानी कि एक न्यूक्लियर फैमिली जो एकल परिवार है, स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा, फैमिली मीन्स परिवार, एक एकल परिवार जो होता है वो एक छोटी छोटा परिवार होता है, दैट कंसिस्ट जिसमें जिस वो किस किस का बना होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, एंड वन और टू चिल्ड्रन यानी कि एक या दो बच्चे, यानी कि इसमें क्या बताया आपको, जो किससे बना होता है, किससे, जिसमें कौन होते हैं, पेरेंट्स और उनके एक या दो बच्चे, ठीक है, ये आपको समझना होगा। एकल परिवार में कौन कौन आते हैं, उनके पेरेंट्स और सिर्फ बच्चे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो क्या ए फैमिली इज द, क्या होता है, एक परिवार इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मीनिंग क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट, इकाई ऑफ द सोसाइटी, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार ही होता है। क्या हमारे समाज में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, परिवार, ठीक है। आपको देखो इधर न्यूक्लियर फैमिली की एक पिक्चर दी हुई है, क्या इसमें क्या क्या पिक्चर में कौन कौन है, मम्मी पापा और उनके बच्चे। अब ये समझ आ गया होगा सबको कि न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सम न्यूक्लियर फैमिलीज हैव ए सिंगल पेरेंट, मदर और फादर एंड चिल्ड्रन, मतलब कुछ जो एकल परिवार होते हैं और उनमें कौन होते हैं, सिंगल पेरेंट्स यानी कि मदर एंड फादर और उनके बच्चे। अभी मैंने बताया भी था जो पिक्चर दी हुई थी उसमें कौन कौन होते हैं, सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट, ए जॉइंट फैमिली यानी कि एक संयुक्त परिवार जो होता है, इज ए लार्ज फैमिली, लार्ज मीन्स क्या होता है, बड़ा, फैमिली मीन्स परिवार, एक संयुक्त परिवार जो होता है वो बड़ा होता है। इट कंसिस्ट, वो किससे बना होता है, उसमें कौन कौन होते हैं, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, फादर पापा, मदर मम्मी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, अंकल्स जो आपके चाचा ताऊ जी वगैरह होते हैं सब, मतलब वो सब इसमें आएंगे, आंट्स चाची एंड कजिन्स, उनके बच्चे जो कजिन्स होते हैं, आपके चाचा के बच्चे होते हैं, बुआ जी के बच्चे होते हैं, ताऊ जी के बच्चे होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, कजिन्स होते हैं। दे ऑल लिव इन द सेम हाउस, वे सब जो हैं किस में रहते हैं, सेम हाउस यानी कि एक ही घर में रहते हैं। और आपको देखो इधर नेक्स्ट साइड में बिल्कुल जस्ट क्या दी हुई है, ये पिक्चर दी हुई है, इसमें पूरा परिवार दिया हुआ है, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और ताऊ जी ताई जी, ये सब आपके जॉइंट फैमिली में आते हैं। ये पिक्चर देख के भी आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या कौन कौन आएंगे। अब आपको टाइम टू आंसर, मतलब थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है आपको कुछ, यानी कि इनके आंसर आपको राइट करने हैं। फर्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है वैसे, ए स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार जो होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि उसे हम क्या पुकार सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट, ए लार्ज फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि आप बड़े परिवार को क्या कह के पुकार सकते हैं, यानी कि जॉइंट, इसमें क्या आ जाएगा आपका, जॉइंट फैमिली, क्या आएगा सेकंड वाले में, जॉइंट फैमिली, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला जो होता है, इन ए जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, अंकल एंड आंट्स ऑल्सो लिव अलॉन्ग विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि आपके मम्मी पापा और बच्चे सब एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है हमारे पास, फैमिली रिलेशन, फैमिली मीन्स आपको मैंने बताया अभी क्या होता है, परिवार, और रिलेशन संबंध, यानी कि परिवार में भी मतलब आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ आपके क्या संबंध होते हैं, उन संबंधों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब स्टार्ट, ऑल द मेंबर्स यानी कि
सभी मेंबर्स ऑफ ए फैमिली परिवार के आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ऑल द रिलेटिव्स ऑफ योर फादर साइड, यानी कि जो आपके फादर्स के साइड के जो रिलेटिव होते हैं, योर पैटर्नल रिलेटिव्स, यानी कि पैटर्नल रिलेटिव्स क्या होते हैं आपके, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, ये सब आपके क्या होंगे, पैटर्नल रिलेटिव्स। और ऑल द रिलेटिव्स ऑन योर मदर साइड, यानी कि जो आपकी मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं, आर योर मैटरनल रिलेटिव्स, उन्हें क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेटिव, यानी कि मातृत्व बोलते हैं, मातृत्व रिश्तेदार जो होते हैं आपके, ये कौन होंगे आपके, नाना नानी, दादा और मामा मामी, एंड और कौन होंगे, मौसी, ये सब जो मम्मी की साइड के जो होते हैं, मतलब मामा की साइड के जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो सब कौन होते हैं आपके, मैटरनल रिलेटिव्स। नेक्स्ट चलते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन होते हैं आपको पता है, आपके जो मदर एंड फादर होते हैं, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। जैसे कि वंस मदर एंड फादर, एक मदर और फादर और आर कॉल्ड पेरेंट्स, यानी कि उसे हम क्या कहकर पुकारते हैं, पेरेंट्स। पेरेंट्स लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन, जो माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ये देखो आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं, पिक्चर में क्या दिया हुआ है आपको, फादर एंड मदर, यानी कि ये क्या हुए आपके, पेरेंट्स। फादर और मदर को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। अब आपका ये चैप्टर मैं आज यहीं तक रीड कराऊंगी, और आपको क्या करना है, इस चैप्टर की रीडिंग करनी है एक बार, ठीक है, ओके स्टूडेंट। और एकल परिवार और जॉइंट, मतलब कि आपके जो संयुक्त परिवार होते हैं, उसके बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और पेरेंट्स कौन होते हैं इस बारे में मैंने आपको उसमें बताया है, एंड आपके जो पैटर्नल एंड मैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं उसके बारे में भी आपको बताया है, उसके बारे में एक बार आप सोच मतलब पढ़ेंगे और उसके फिर राइट करेंगे, ठीक है। एक बार इसकी रीडिंग करनी है चैप्टर की आपको बहुत ध्यान से, और वर्ड मीनिंग जो मैंने राइट कराए थे वो भी लर्न करने हैं, ओके स्टूडेंट, थैंक्स।